पहुंच चुकी हूँ। सो वेलकम बैक टू माई चैनल दी हैप्पीनेस मंगर। आई एम श्रेया एंड आई मेक फूड व्लॉग्स एंड ट्रैवल व्लॉग। इफ यू एंजॉय बोथ द कंटेंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो टुडे आई एम हियर एट दिस प्लेस कॉल्ड लोकल किचन। लोकल ढाबा भी है बट लोकल ढाबा के साथ इनको कन्फ्यूज मत कीजिए। लोकल ढाबा रानी में है और लोकल किचन हांगाघर रूपनगर में है। ASTC पार्किंग जो है उसके एकदम सामने ही है। सो दिस इज द प्लेस। अगर आप लोग भांगागौर ASTC के सामने कहीं पे भी काम करते हो और आपको चाहिए अफोर्डेबल खाना हमेशा के लिए, तो दिस इज द प्लेस। लोकल किचन इज द प्लेस। सो लेट्स गेट इनसाइड एंड सी व्हाट इट ऑफर्स एज यू एंटर। सो यहाँ पे है ASTC पार्किंग एंड यहाँ से आपको आना पड़ेगा आके। इधर ही है लोकल किचन। सो जैसे ही आप एंटर करते हो, लोकल किचन का जो मेन्यू है यहाँ पे एकदम लमसम मेन्यू दिया गया है, कैसा प्राइस है कैसा नहीं। आ चुकी हूँ लोकल किचन का जो ये इंटीरियर है काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे AC सिटिंग भी है ना, और यहाँ पे है आप ऐसे ही बैठ सकते हो विदाउट AC। एंड इधर है उन लोगों का किचन एंड दिस इज हाउ इट इज। सो गाइस यहाँ पे है लोकल किचन का मेन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा थाली है, वैरायटीज ऑफ थाली है। वेज थाली है, चिकन थाली है, पोक थाली है, लोकल किचन का स्पेशल थाली है, तो ये सब थाली भी है। एंड यहाँ का जो थाली का जो रेट है 50 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक आपको मिल जाएगा सारे कुछ। तो येस, तो मैंने ऑर्डर किया है 70 रुपीज़ का एक थाली एंड इसके साथ मैंने ऑर्डर किया है चिकन तिल एंड पोर्क। तो गाइस मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभी ऑर्डर दे दिया है। अभी आई एम वेटिंग फॉर Chanakya to come here and whatever it is we'll start hogging because I'm really 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 hungry. So yeah, I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Our major objective is to give good food at a budget price to all, so that everyone can taste the authentic Assamese food here. And here to our major motive. आप लोगों का यहाँ पे मुझे इंटीरियर वगैरह इतना क्लीन है, इतना हाइजीनिक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप खाना देख सकते हो, इतनी अच्छे से प्रेजेंट करके उन लोगों ने दिया है। प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड एंड अभी खाना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा ही होगा बिकॉज एवरीथिंग लुक्स टू बी वेरी फ्रेश एंड वेरी यू नो वेरी लाइक यम्मी। तो मैं ये खाना खा के देखूँगी कैसा है, तो हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा ही होगा। सो थैंक यू मैडम फॉर सो मच for coming here and tasting our food and letting people know that we are serving this food, and we are trying to keep it simple, authentic Assamese food in a very budget price. Our pork thali is just of 150 and chicken thali is 140 and veg thali starts from 50 and we have a special veg thali that I have served you at the 70. Thank you. I hope, like, yes, yes, thank you so much. Thank you. तो गाइज यहाँ पे काफ़ी कुछ है। सो यहाँ पे है दाल, यहाँ पे है माटी माहौर दाल जो है, जो एसमिस का एकदम बहुत ज़्यादा फेमस वाला दाल है। एंड यहाँ पे है मिक्स वेज, देन देयर इज पापड़ एंड दिस इज ब्रिंजल फ्राई, आलू पिटिका इज़ अ मस्ट एंड देर आर सम फ्यू चटनीज ओवर हियर। सो ये सब कुछ मैं ट्राई करूँगी एक के बाद एक। एंड यहाँ पे है पोक एंड यहाँ पे है तिल चिकन जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सो या आलू पिटिका जो कि मैश्ड पोटैटो है विद चिलीज, आलू पिटिका का जो भी उन्होंने चिलीज यूज किया है काफी ज्यादा स्पाइसी है। सो यहाँ पे काफी सारा चटनी है। सो क्या चटनी है वो ट्राई करके देखते हैं, लेट्स डू दैट। सो यहाँ पे है होरी हो चटनी जो सरसों का चटनी जो है, तो ये है बहुत टेस्टी है, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी भी है। टोमेटो और जो ड्राई फिश है इसका चटनी है।
क्वालिटी ऑफ द फूड इज एब्सोल्युटली ए प्लस। सो गाइस ये है डाली, ये जो दाल है एकदम ऑथेंटिक एसमिस दाल है। गाइस दाल एंड राइस, सो गुड। एकदम घर का खाना नहीं लगता है, पूरा वैसा घर का खाना। पापड़ दाल है, जैसे कि आप देख सकते हो टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, यहाँ पे कुछ भी मसाला नहीं डाला गया है, विच ऑल्सो मीन्स वेरी वेरी हेल्दी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ अ हेल्दी फूड, बट यहाँ पे हेल्थ के साथ टेस्ट भी है। जिंजर फ्राई, ये है मिक्स्ड सब्जी, वेरी गुड। सो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे चिकन, तिल चिकन जो है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड। अभी तिल चिकन को थोड़ा बहुत हाथ जो राइस है उसके साथ थोड़ा हम लोग मिला लेंगे, उसके बाद फर्स्ट बाइट। वेरी सटल फ्लेवर्स, चिकन इतनी सॉफ्ट है, इट्स जस्ट ओपनिंग लाइक दैट, देखिए इतनी सॉफ्ट है। सो यम, नॉट दैट स्पाइसी, इट्स वेरी फ्लेवरफुल, सटल फ्लेवर्स आर देयर, इट्स गुड। पापड़ अगेन, अभी मैं फर्स्ट टाइम रिबैबू पॉर्क खाऊंगी, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया आइटम है। सो लेट्स डिग इन टू इट। सो व्हाट, सो दिस इज़ द पोर्क, जस्ट लुक एट इट। ये अकॉर्डिंग टू चाणक्य से मुझे जानने को मिला कि दिस इज़ द स्किन, यहाँ पे है पूरा फैटी लेयर जो है, दिस इज़ द मीट। सो लेट्स ट्राई इट आउट। एंड ये जो है ये पूरा ड्राई चिली से बनाया गया है, एंड दिस इज़ द बैम्बू शूट। So this is the whole thing. I'll just take a bite of this. Let's see. I'm not a fan of pork, but abhi try karne ko milta hai, to let's do that because it's important that we should try everything we have. So yeah. I think I'm not the right person to talk about pork, but it's not spicy at all. It is quite flavorful. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिलीज है, but I didn't feel the spiciness इतने सारे चिलीज देने के बाद भी। But otherwise, according to how is it, चाने का कैसा लग, मतलब कैसा हो रहा है, मतलब अच्छा है, दिखने में अच्छा लग रहा है ना, इसके बाद खाने में भी अच्छा ही है, बट मुझे तो अच्छा ही लगा। बट चाने का who is a pork lover can also tell कि कैसा है कैसा नहीं। सो बट स्टिल लेट्स eat it. के देर से आया, बदरुस्त आया, कनों का लगे से तो कम नमक खाओ भी चाहिए, चाहे ऐसे आराम से आ ही पाएगा, ऐसे खा जाए पाएगा। खाना खा के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड अगर रेटिंग की बारी आती है तो यहाँ पे जो बहुत नया खुला है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इट्स जस्ट बीन अ मंथ एंड इट्स स्टिल अ बेबी, आई वांट यू गाइस टू कम हियर एंड सपोर्ट दिस प्लेस, एंड दे आर ट्राइंग टू सर्व यू ऑथेंटिक एसमीज फूड बहुत ही मिनिमल प्राइस में। द प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 50 to 300 रुपीज़। सो एंड एवरी थिंग इज़ थाली एंड इट्स वेरी मच अनलिमिटेड। सो येस, अगर रेटिंग की बारी आती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगी 9/10 रेटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड आई शुड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।